बागपत जेल में गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद दूसरे गैंगस्टर सुनील राठी पर केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन जांच सिर्फ इसी एंगल से नहीं हो रही है। मुन्ना बजरंगी हत्याकांड में पुलिस की जांच कई दूसरे एंगल से भी की जा रही है। पूर्वांचल के गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी का कत्ल बागपत की जेल के अंदर हुआ, लेकिन इस कत्ल की गूंज लखनऊ तक सुनाई दी। रविवार सुबह 6:30 बजे बागपत की इस जेल के अंदर मुन्ना बजरंगी को जिस तरह से एक एक कर 10 गोलियों से छलनी किया गया, उससे इस जेल के प्रशासन और इसके अफसर सवालों के घेरे में आ गए। सवाल उठे तो सूबे के जेल मंत्री से लेकर CM तक एक्शन में दिखे। फौरन मामले की मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दे दिए गए, लेकिन सवाल यह है कि आखिर जेल में पिस्टल पहुंची तो पहुंची कैसे? बजरंगी को बागपत जेल लाने के अगले ही दिन हत्या कैसे हो गई? क्या बजरंगी को साजिश एंड बागपत जेल पहुंचाया गया था? क्या इस हत्या में जेल के अफसर और पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं? फिलहाल मुन्ना बजरंगी की हत्या का आरोप गैंगस्टर सुनील राठी पर लगा है। पुलिस ने सुनील राठी पर हत्या का केस भी दर्ज कर लिया है, लेकिन सूत्रों की माने तो UP पुलिस इस हत्या की जाँच 3 एंगल से कर रही है। मुन्ना बजरंगी की हत्या का आरोप जिस सुनील राठी पर लगा है, उसका भाई पूर्वांचल की जेल में बंद है। पिछले दिनों उसके साथ कुछ कैदियों ने जेल में दबदबे को लेकर मारपीट की थी। सुनील राठी को शक था कि उसके भाई के साथ मारपीट करने वाले गुर्गे मुन्ना बजरंगी के थे। पुलिस को शक है कि हो सकता है इसका बदला लेने के लिए सुनील राठी ने मुन्ना बजरंगी को जेल में निपटा दिया। जानकारी के मुताबिक सुनील राठी का उत्तराखंड में बड़ा वर्चस्व था। वहां की जेल में रहते हुए सुनील राठी कारोबारियों से अवैध वसूली कर रहा था। वहीं मुन्ना बजरंगी की नजर भी उत्तराखंड पर थी। सूत्र बताते हैं कि इस मुद्दे को लेकर दोनों के बीच एक बार बातचीत भी हुई थी, जिसमें मुन्ना बजरंगी ने सुनील राठी पर खुद ही सुपारी लेने का आरोप तक लगाया था। पुलिस को लगता है कि कहीं यही बात आगे तो नहीं बढ़ गई और आखिरकार रविवार को सुनील राठी ने मुन्ना बजरंगी का कत्ल कर दिया। मुन्ना बजरंगी पूर्वांचल का कुख्यात डॉन था। उस पर 40 से ज्यादा कत्ल के आरोप हैं। वो कई गैंगस्टर्स और गुंडे से नेता बने लोगों के टारगेट पर भी था। हाल ही में मुन्ना बजरंगी की पत्नी ने भी अपने पति की हत्या का शक जताया था। डॉन ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह से जान का खतरा बताया था। मैंने 10 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई थी कि मेरे पति को जान का खतरा है, और ये बताने के बावजूद भी आज वही चीजें हुई। जितनी चीजें हमने बताई थी, बागपत ले जाया जाना चाह रहे हैं, वो चीज किया गया, शासन प्रशासन सब साथ मिलकर। मुन्ना बजरंगी की पत्नी जिस तरह से हत्या का अंदेशा जता रही थी, उससे लगता है जैसे बागपत की जेल के अंदर हुआ ये कत्ल एक साजिश का नतीजा है। अब UP पुलिस इसी साजिश का पर्दाफाश करने में जुटी है। जितेंद्र शर्मा, इंडिया TV, बागपत, UP।